मैं आपको डोरमेट बनाना बताऊंगी, जिसके लिए हमें एक नाइटी और पुराने सब कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बच्चों का टी शर्ट और सारे कपड़े पुराने जो रहते हैं। तो चलिए हम बनाना बताते हैं। सबसे पहले नाइटी को हम काट लेंगे। नाइटी को काटने के बाद उसको हम जैसे ऊपर और नीचे का दो भाग काटेंगे, जैसे ऊपर का कपड़ा नीचे के कपड़े से चारों तरफ से दो दो इंच छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए ये कपड़ा नीचे वाला दो दो इंच चारों तरफ से बड़ा है और नीचे ऊपर का जो है वो छोटा है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे इस कोने से इस कोने तक, ऐसे ऐसे पूरा तिरछा निशान लगा देंगे। उसके बाद दो अंगूर पे फिर हम एक निशान लगाएंगे, ऐसे दो दो अंगूर पे हम पूरा ऐसे निशान लगाते चले जाएंगे। देखिए हम पहले से ही ये निशान लगा लिए हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद हम इसको सुई और धागे की सहायता से हम इसको हर कोने पर ऐसे टांका दे देंगे, ऐसे चारों कोने पर हम सुई और धागा से पूरा टांक देंगे। टांकने के बाद हम इसको सिलाई मशीन पर ले चलते हैं। उसके बाद देखिए हम इसको ऐसे ऐसे सिलाई मशीन पर इसको पूरा जो हम निशान लगाए हैं उसको हम सिलाई कर लेंगे। जो ये निशान लगा है सब ऐसे हम सिलाई कर देंगे। देखिए देखिए सब सिलाई कर दिए हैं, जो जो हम निशान लगाए थे उसको हम सिलाई मशीन से सारे ये सिलाई कर दिए हैं। और ये बीच बीच में ये छूटा रहेगा क्योंकि इसमें हमको कपड़े की रोल बनाकर इसमें डालना है। चलिए देखिए तो हम ये पूरा सिलाई हो गया है, इसको अब हम कपड़े का रोल बनाएंगे। जैसे पुराने कपड़े हैं उसको हम इस तरह से रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद हम इसको पिन की सहायता से देखिए हम सारा ये रोल ऐसे गोल गोल करके ऐसे ऐसे बना लिए हैं। उसके बाद हम जो ये जगह छूटा है इसी में हम ऐसे डालेंगे इस रोल को। पिन को कपड़े में करके डालते चले जाना है।
इसी तरह हम ऐसे हर एक रोल को ऐसे डालेंगे इसमें। देखिए पूरा रोल हम इसमें डाल लिए हैं। देखिए पूरा रोल इसमें सब पड़ गया है। उसके बाद हम जो यहाँ पर बड़ा हुआ एक कपड़ा जो है इसमें बाहर निकला हुआ है उसको हम ऐसे काट देंगे। ऐसे पूरा कपड़े को काट लेंगे चारों तरफ से, जहाँ जहाँ पर भी एक कपड़ा निकला हुआ है। देखिए पूरा कपड़ा काटने के बाद चारों तरफ से जो जो कपड़ा बढ़ा था हम उसको काट लिए हैं। अब इसको जो नीचे वाला हम इसको छोड़े थे कि दो दो इंच नीचे का चारों तरफ से बड़ा रहेगा कपड़ा, अब उसी को लेकर हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे सुई और धागा से। ऐसे हम पूरा चारों तरफ से जो है बड़ा कपड़ा ऐसे हम सिल लेंगे, ये बोट की तरह लगेगा। इसी तरह से ऐसे चारों तरफ से ऐसे नीचे का कपड़ा जो बड़ा वाला था उसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे पूरी ऐसे। ऐसे करके ऐसे मोड़ते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके खूब अच्छे से गांठ दे देंगे। देखिए पूरा चारों तरफ से देखिए पूरा यहाँ पर नीचे का कपड़ा होल्ड करके सुई और धागे से ऐसे पूरा सिल रहे हैं। देखिए पूरा ये डोरमेट तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों आपको ये कैसा लगा, कितना सुंदर ये डोरमेट बन गया है। देखिए
ये दोनों तरफ से, अगर आप चाहें तो नीचे का कपड़ा दूसरे कलर का भी लगा सकते हैं आप, आपको जैसा भी पसंद हो उस तरह का कपड़ा आप इसमें लगा सकते हैं।